धड़क रहा था जोरों से, जो ऊंचाइयों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। सवाल ही नहीं उठता भाई, बहुत इतनी ग्रेविटी थी कि दोनों कान बंद हो गए। चंद्रगिरी हिल पहुंच चुके हैं, यहाँ से ही केबल कार्ट की सर्विस स्टार्ट होती है। फाइनली फ्रेंड मैं चंद्रगिरी केबल कार्ट सर्विस के पास आ गया हूँ। पार्क हो गई है और व्यू देखिए, आप व्यू देखिए, ये पार्किंग लॉट है, ये देखिए आपको वैली दिखाते हैं, ये वैली देखिए जबरदस्त है, ये भाई काठमांडू है, ये पूरा काठमांडू है देखिए। देख रहे जबरदस्त एकदम टॉप पे। तो फटाफट मैं चलता हूँ अभी नीचे पर, टिकट निकालना है हमें, देखना है कि टिकट के चार्जेस कितने हैं, बाकी अब चलते हैं फटाफट। सो मैंने टिकट ले लिया है और ये है एंट्रेंस हमारा, चलते हैं फटाफट। वो सामने दिख रहा है, वो सामने रोप देखना स्टार्ट हो गया, बस ये है अंदर का एंट्रेंस, ये है। नहीं नहीं डायरेक्ट आने का, थैंक यू, ओके ओके। तो एक तरफ का 13 मिनट का राइड है, फिर वहाँ पे अगर आपको घूमना है तो ठीक है, रिटर्न टिकट आप कभी भी लेके आ सकते हैं, 7 दिन के लिए वैलिडिटी रहती है। तो हम लोग तो डायरेक्ट जाके आ जाएंगे क्योंकि फैमिली वहाँ पर बैठी हुई है, तो फटाफट जाते हैं। ये सो फाइनली भाई हम लोग बैठ चुके हैं और जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। आईएनसी के लिए हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग का कैंसिल ही होने वाला था क्योंकि आईएनसी हम लोग को मिल नहीं रहा था, इंडियन करेंसी हम लोग को मिल नहीं रही थी, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पर। तो भाई हम लोग ने एक्स्ट्रा पैसे दे के एक टैक्सी ड्राइवर से हम लोग ने एक्सचेंज कराया है, मान लीजिए हम लोगों ने 700 रुपीज एक्स्ट्रा दिया उसको कन्वर्ट करके, तो हम लोग को महंगा पड़ा, लेकिन भाई आना तो जरूर था अर्थ है और ये आना जरूरी था, तो काठमांडू आने के बाद लेना ही था, फिर पता नहीं कब हम लोग आते हैं नहीं आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, जर्नी इज बिगिन। तो ये भाई स्टार्ट हो चुका है, ये वहां सामने से आ रही है, वो देखिए सामने का ये काठमांडू है, और प्रॉब्लम जरा भी नहीं है, एकदम सेफ एंड स्मूथ है ये। ये देखिए भाई मुझे वर्टिगो का बहुत ज़बरदस्त इशू है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, अच्छा ये है कि ये काफ़ी सेफ है तो टेंशन नहीं है, बाकी फिंगर क्रॉस। चलते हैं, ये सामने से आ रही है ट्रॉली, ऐसे ही कार्ट में हम लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे ही कार्ट में पीछे दिख रहा है काठमांडू, और भाई साहब अभी से फट रही है और ऊपर जाना है, ओहो गजब है, माउंट आरिफ झक्कास, बिल्कुल झक्कास से, अरे जबरदस्त जबरदस्त ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि स्लोली स्लोली फ्लाइट से ऊपर जा रहा है। भाई नीचे तो देखा नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए नीचे की कंडीशन देख लीजिए, और मुझे तो ऐसे भी जबरदस्त वर्टिगो इशू है तो मैं नीचे देख भी नहीं सकता हूँ। ये देखिए जंगली जानवर भी आपको दिख जाएंगे, ये पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है, ये देखिए आप, ये देखिए ऊपर से आ रहा है, ये देखिए अब इजीली यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर से आ रहा है, ज्यादा हिले नहीं आ रही संभालना, ये देखिए पीछे का नजारा, वाह जबरदस्त है बॉस। वो हम लोग नीचे से, हम लोग वहां नीचे से आए हैं और ये देखिए ऊपर जा रहे हैं, अरे बाप रे बाप गाइस, ये एक्सपीरियंस ये बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है, बहुत ज्यादा एडवेंचरस है।
ये देखिए, ये सीरियसली कहीं से भी मजाक नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त है, ये बहुत एडवेंचरस है और लाइफ एक्सपीरियंस तो ये जरूरी था। ये बहुत साल से मैं सोच रहा था कि ये मैं करूं और केबल की स्ट्रेंथ काफी मोटी है और ये देखिए पूरा काठमांडू दिखेगा यहाँ से। ये देखिए वहां नीचे से हम लोग आए, वो नीचे से, वो देखिए हम लोग वो नीचे से हम लोग आए। बाकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे वे विंडो खुला हुआ है और ये देखिए ये ऊपर अपोजिट साइड भी खुला हुआ है। ये जा रही है एक ट्रॉली, जाने के टाइम काफी स्पीड से गई है, वो देखिए ऑसम ये फीलिंग। भाई साहब मैं कार ड्राइव करके आया हूँ काठमांडू, कैसी रोड है ना वो मैं जानता हूँ भाई साहब, बहुत बहुत जबरदस्त दिल चाहिए इसके लिए। ये देखिए मैं और मेरा भाई यहाँ तक पहुंच गए, भाई साहब करेंसी मिल नहीं रही थी उसके बावजूद कैसे कैसे एक्स्ट्रा पैसा देके हम लोग यहाँ पे पहुंचे। ये हम लोग ऊपर आ गए हैं, देखिए भाई साहब ये ऊपर नहीं है, अब इससे भी ऊपर और है, ओ हो जबरदस्त है जबरदस्त है। ये ट्रॉली आ रही है, बाप रे बाप, ओ हो ऑसम व्यू। मुझे अल्ट्रा वाइड एंगल लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे कैमरे में, जबरदस्त है बॉस जबरदस्त है। पूरा का पूरा शहर दिख रहा है, ये देखिए बहुत ऑसम फीलिंग है। डर की लुक दैट साइड और वेरी ऑसम। ये देखिए और ऊपर जा रहा है, ये और ऊपर जा रहा है। बस इस वक्त दिल में एक ही चीज चल रही है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। बेशक बेशक अल्लाहू अकबर। बहुत ज्यादा डेंजर, मतलब हम लोग मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ये जो आएगा वो एक्सपीरियंस करके वही बता सकता है, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, जो एक्सपीरियंस करेगा वो वही बता सकता है कि भाई ये है क्या चीज। पूरा का पूरा जंगल जा रहा है नीचे, ये देखिए ऑसम जबरदस्त। ये खाली बग्गी आ रही है, ये किसके लिए पता नहीं बट ये ब्लैंक जा रही है बिल्कुल। ये देखिए भाई साहब मेरे डर की इम्तिहान नहीं बता सकता हूँ किस लेवल का डर है ना मैं बता नहीं सकता हूँ। ये देखिए ये देखिए देख रहे हैं आप लोग, फ्लाइट भाई साहब प्लेन हमसे नीचे उड़ रही है, वो देखिए वो प्लेन हमसे नीचे उड़ रही है, देख रहे हैं आप हमसे नीचे वो प्लेन उड़ रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये देखिए मतलब जिगरा चाहिए भाई चाहिए। अभी हम लोग ऊपर जाते ही जा रहे हैं हम लोग ऊपर, वो एकदम टॉप पे। आरिफ तुम बोल रहे थे वहां पे गाड़ी लाने, वो देखो ऊपर देखो तुम। ओह माय गॉड भाई, और आरिफ बोल रहे थे कि तालिब भाई हम लोग जाते हैं और आप गाड़ी लेके वहां आ जाइएगा, आप बताइए कि कैसे पहुंचते। नीचे की सीन में पूरी जंगल है, ये पूरा जंगल है, ये पूरा फॉरेस्ट है, आप दिखा दो एक बार। ये पूरा फॉरेस्ट है, ये पूरा फॉरेस्ट है, ये देखिए ये पूरा फॉरेस्ट है, बेहतरीन है भाई बेहतरीन है। पहाड़ के पहाड़ जंगल के जंगल जा रहे हैं। ओफो अल्लाहु अकबर, वाओ ऑसम। भाई साहब हेलीकॉप्टर
अरे बाप रे भाई, हेलीकॉप्टर नहीं, हम जहाज के ऊपर हैं। अरे बाप रे बाप, अरे अरे भैया इसको तो मैं 5,000 देने को तैयार हूँ, मुझे नीचे उतार दो, 5,000 रुपया दे दूं मैं, नीचे उतार दे भाई। बाप रे बाप, अबे तालिब भाई ये केवल यहाँ पे देख, यहाँ से कल फोटो शूट कर लीजिए, वहाँ देख सकते हैं आप, ये वीडियो निकाला है, वीडियो निकाला। कुछ हैंडल वेंडल भी नहीं दिया पहनने के लिए, बाप रे बाप, दे दिया मुझे रोड हट यह रही है कि जाना भी है, मतलब हम लोग अगर ये देखिए स्टेशन आ गया है, अभी इधर से घूम जाएंगे भाई, अल्लाह का शुक्र है कि स्टेशन आ गया है, वरना और ऊपर होता तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाता, या अब फट रही थी बहुत ज्यादा। आ गए हम लोग इसी से, रिटर्न चले इसी से जाएगा, मतलब चले, अभी चल देगा, हाँ आ जाइए आ जाइए सर, रिटर्न रिटर्न भाई, फाइनली हम लोग रिटर्न वापस जा रहे हैं। केबल कार बनाने के लिए जिन भाइयों की मेहनत लगी है, ये वो भाई है, इनसे मिलिए, आप लोगों की मेहनत से हम लोग इतने इजीली यहाँ पे आ गए। हाँ तो पार्ट तो आप इसी के हैं। चलो ठीक है, बेस्ट है बॉस, तो हम लोग रिटर्न, तो हम लोग उतरे नहीं है, हम लोग रिटर्न वापस जा रहे हैं यहाँ से। भाई डर की तो जो इम्तिहान मेरी पास हो चुकी है, मुझे वर्टिगो का इसे ही इशू है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे हैंडल भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी बैंड बजी पड़ी है, नहीं भाई मुझे आना ही नहीं है भाई, आ रही वहाँ पे चढ़ने तक ठीक था, तो अब नीचे आपसे मिलते हैं, ठीक है। गाइज मैं ये पूछ रहा था यहाँ के एम्प्लॉय से कि अगर मान लीजिए कि मैं, हम लोग डायरेक्ट ऊपर आते हैं और मेरी कार नीचे है, तो क्या मेरी कार ऊपर स्टेशन की तरफ आ सकती है, तो हम लोग वन वे का फेयर लेके और डायरेक्ट बाय रोड हम लोग उतरते हैं, तो हम लोग को कितना टाइम लगेगा कार से ऊपर आने में? 45 to 1 hour लगेगा अप्रोक्स, तो 1 hour तो लगेगा, ज्यादा लग सकता है क्योंकि दूरी और रोड तो मैं देख रहा हूँ, और रोड की कंडीशन भी मॉडरेट ही होगी, एवरेज होगी, है ना। और जहाँ तक आप केबल कार्ड का यूज करते हैं, 13 मिनट में हम लोग अपने उस सोर्स पे पहुँच कर, और 13 मिनट में दैट सोर्स, मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या 20 मिनट to 25 मिनट में हम लोग ए पॉइंट टू बी पॉइंट और बी पॉइंट टू ए पॉइंट पहुंच जाते हैं हम लोग। एक्जेक्टली, तो भाई ये सल्यूट है वाकई, क्योंकि मुझे काठमांडू से, सॉरी नीचे भरतपुर से और काठमांडू आने में 9 से 10 घंटे लग गए, नारायण गढ़ी से 9 से 10 घंटे लग गए, और ऑलमोस्ट उससे करीब करीब होगा आधे घंटे में, सिर्फ ओनली हाफ एन आवर। तो अगर या तो टनल ऐसा कुछ बन जाए या तो फिर ये रोपवे ही बन जाए, तो बहुत फायदा हो जाएगा भाई हम लोग को आने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम आने को सोचेंगे। बाय रोड तो भाई मैंने कान पकड़ लिया है, मैं नहीं आऊंगा। तो हम लोग आधा रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये देखिए, तुरंत रिटर्न आने का फायदा ये हुआ कि ये इस कंपनी के एम्प्लॉय लोगों से मुलाकात हुई और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बॉस, क्योंकि बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। ये गाइस ये सिर्फ गाइस ये सिर्फ काठमांडू नहीं दिख रहा है, वो ललितपुर आगे, वो ललितपुर भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो रोपवे है, ये रोपवे ऑस्ट्रिया, जो यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है उन लोगों ने इसको बनाया है, और मानना पड़ेगा कंट्री बहुत छोटी है, लेकिन देखिए इतना जबरदस्त काम इंडिया में आके किया, सॉरी नेपाल में आके किया इतना जबरदस्त काम। तो ये देखिए, और बता रहे कि वहाँ पर एक रोड है, कि वहाँ से एक रोड है बाय रोड, लोग एक फैमिली आ रही थी और स्लिप होने की वजह से, कच्चे रोड से वजह से गिर गया, और काफ़ी लोग उसमें से सारी फैमिली मर गई।
ख़त्म हो गए सब, उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी भाई बता रहे कि यहाँ से लिपड़ वगैरह भी कभी कभी आती आते में दिख जाते हैं, पूरा जंगल ही है पूरा। हाँ तो फाइनली हम लोग नीचे पहुंच रहे हैं, ये देखिए पूरा जंगल जा रहा है ऊपर। हम लोग वहां से आए गए और सेम ही कार्ट में बैठ के वापस आ गए। टोटल इसकी लेंथ है, लंबाई है 2.5 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। वो जो दिख रहा है वो एंड नहीं है, वो तो फर्स्ट पिलर ही लग रहा है। कान पे थोड़ा सा प्रेशर आया अभी तो। हाँ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा कान वन बंद होने लगता है। बाकी हम लोग नीचे आ गए। ये देखिए जो टिकट का जो चार्जेस है उसका ऐसा है कि नेपाली जो यहाँ के लोकल है उन लोगों के लिए टिकट सस्ती है, कुछ 700 NPR है। और हम लोग के लिए जो फॉरेनर है मतलब बाहर से जो आ रहे हैं नेपाल के बाहर से, वो SAR सेक्शन में आते हैं, SAARC इसमें आते हैं हम लोग कैटेगरी में। तो हमारी टिकट है एक साइड की 860 NPR, मतलब 1280 एक आदमी की रिटर्न टिकट है, 1280 NPR, मतलब तो काफी कॉस्टली पड़ गई। हाँ तो हम लोग को अप्रोक्स मतलब हम लोग बाहर कंट्री से हैं, इंडिया से आते हैं, इस कंट्री यहाँ के नहीं है लोकल, तो हम लोग को 1280 NPR और इंडियन करेंसी के हिसाब से हम लोगों को पड़ गया 800। लेकिन हमको ज्यादा पड़ गया क्योंकि हम लोग ने जो एक्सचेंज कराया था पैसे बाहर टैक्सी ड्राइवर से, वो ऐसे ही लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंटरनेशनल कार्ड रहेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे या USD मतलब डॉलर एक्सेप्ट करेंगे। बाकी आपका इंडियन करेंसी लोग या तो 100 की नोट आपके इंडियन करेंसी में होगी तो, वरना नहीं। तो 800 के हम लोग को कुछ 1000 रुपए की टिकट पड़ गई रिटर्न एक आदमी की, हम लोग दो लोग थे बस, ऑलमोस्ट आ गए हम लोग। ये देखिए हम लोग पहुंच गए वापस से नीचे। तो फाइनली हम लोग निकल गेट कर रहे हैं यहाँ से। एक्सपीरियंस एक नंबर था, जबरदस्त मजा आ गया, लेकिन बहुत डरावना था, बहुत डेंजरस था। नीचे आके ऐसा लग रहा है कि जान में जान आ गई भाई, नीचे आके एकदम जान में जान आ गई है, जान में जान आ गई नीचे आके। ऐसा लग रहा है कि हाँ सेफली, और दिल जो धड़क रहा था जोरों से जो ऊंचाइयों को देखकर, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कंफर्ट जोन में आ चुके। सवाल ही नहीं उठता भाई, बहुत इतनी ग्रेविटी थी कि दोनों कान बंद हो गए। चलिए फिर मिलते हैं आगे के सफर में। प्लान में कुछ चेंजेस आ गया है। अभी हम लोग इतने टाइम रात में बज रहे, 8:15 बज रहे रात के, और ये टाइम भी हम लोग इंडिया के लिए निकल रहे हैं, नेपाल से काठमांडू से इंडिया के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो अपने और यहाँ के हिसाब से 158 नेपाली करेंसी के हिसाब से यहाँ पे 158 है डीजल का चार्जेस, तो 30 लीटर आया है। ये देखिए भर रहा है, फुल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग लखनऊ के लिए निकल रहे हैं यहाँ से इंडिया के लिए काठमांडू से, और रात के बज रहे 9, और अभी निकलेंगे तो कल शाम तक पहुँच जाएंगे। कुछ 465 किलोमीटर है और यहाँ पे रुके थे के लिए। ये है लखनऊ जायका नवाबी किचन, बहुत ही अच्छा खाना, बहुत टेस्टी खाना। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त खाना है, को एकदम लखनऊ का, सच में आपको एकदम लखनऊ का जायका मिलेगा, एकदम गरम गरम फ्रेश खाना मिलेगा। और ये एकदम मेन मार्केट में ही पड़ता है, मतलब आप बस स्टेशन यहाँ से पड़ेगा, बस स्टॉप वहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर है। तो और लोकेशन भी एकदम प्राइम लोकेशन है, ये यहाँ पे चौक है, ये एक रोड वहाँ से चला गया, एक रोड ये और एक रोड राइट में चला जाता है। राइट में जो रोड जाता है वो सीधे अभी जो इंडिया की तरफ हमने जाना है वो रोड है। तो ये देख लीजिए मेरे तरफ से तो भाई ये होटल को और ये होटल के खाने को 10 out of 10 5 star है, तो ज़रूर आएगा यहाँ पे। तो अंदर का दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भाई हमारे हैं,
सब हमारे गांव के ही हैं। कहाँ रखा है बताइए? ठीक है, ये किचन है और ये अंदर का पूरा बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। ये देखिए, ये ऊपर फैमिली के लिए लेके बैठना, तो ऊपर दो फ्लोर है, इसके ऊपर एक फ्लोर है और उसके ऊपर एक फ्लोर है, बाकी हम लोग सब यहाँ पे। बहुत बेहतरीन होटल है, तो ये होटल आप जब भी काठमांडू आए जरूर जरूर ट्राई करें। ये देखिए विजिबिलिटी कितना ज़्यादा फोग है, रात में मैं 9:30 बजे निकल गया था काठमांडू से, ये अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, विजिबिलिटी एकदम डाउन है। ये देखिए बहुत ज़्यादा फोग है, रात से कंटिन्यू कार चल ड्राइव कर रहा हूँ और टायर्ड अलॉट। देखते हैं बॉर्डर तक पहुँचने का टाइम अप्रॉक्स 12 बजे तक, तो 12 बजे तक बॉर्डर पहुँचने का चांस है, बट रोड की जो कंडीशन है उससे तो लग नहीं रहा है कि कुछ हो सकता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं काठमांडू से बहराइच पहुंच गया हूं और टाइम हो रहा है दोपहर के तीन बजे मैं पहुंच गया हूं। वहां से निकला था कल रात में 9:30 बजे और आज दोपहर में 3 बजे पहुंच गया हूं। तो वहां से आते टाइम जो नारायणगढ़ी है वहां से लेके 150 से 200 किलोमीटर की रोड बिल्कुल ख़राब है, मतलब मुझे 5-10 किलोमीटर की स्पीड में मुझे चलाना पड़ रहा था, बहुत ख़राब रास्ता, हालत ख़राब हो गई, मतलब 2 घंटे का रास्ता हम लोग को 7 घंटा लग गया। तो अभी फ्रेश व्रेश होकर यहाँ पे मैं खाना वाना खाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर।